बोलो इनको क्या क्या होता है। उनको ये है थायराइड है, भूख लगती नहीं, नींद बात आती नहीं, तफला तुतला की बात करती, गुस्सा। अच्छा जी, अच्छा गुस्सा, बीपी हाई होती, हाई बीपी हो जाती। अच्छा जी, अच्छा जी, बीपी आ गई तो यात्रा घटवाता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, मारती हो क्या, मंजा मर डाल, तुम ना मर डाले। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, खैर मैं बोलता हूँ इनको, वैसा तुम्हें करो, तीन चार महीने में रेडी होती हूँ। औज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये हमारे चित्तल दुर्ग से हमारे फ्यान आ गई, उसके आते स्पेशल बयान फिर आपकी खिदमत पे पेश कर रहा हूँ और आपको थायराइड के बारे में बता रहा हूं। देखो थायराइड क्या है, कि तो पूरे बीमारियों का बादशाह होने, थायराइड क्यूर होगा तो सब बीमारियां चले आती, थायराइड क्यूर नहीं हुआ तो गुस्सा आता आता आता, थायराइड वाले को बहुत गुस्सा आता आपको आखिर में हार्ट अटैक आता है। बात समझ रही, उसके तो गुस्सा नहीं करना। हाँ, रसूल करीम सल्लम को पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, मनहूसियत पुनौती दरिंदगी कोई चीज में है क्या? गति रसूलुल्लाह बोलती कोई चीज में नहीं है, मगर तीन चीजा में पनौती है गति। तीन चीजा कौन से है? ये घोड़ा हलता नहीं, हलिया तो सवारी को ढक फिकल, ऐसे घोड़े को कतल करो, दुबा करो पे अल्लाह के रसूल। दूसरा है घर, खबर के जैसा हवा खेलती नहीं, 24 घंटे बीमार, ऐसा घर पहले छोड़ डालोगे कि तो ऐसे धनिंद्रा ही आज, वो घर की मोहब्बत रखो, अल्लाह दौलत दिया तो भी अच्छे घर में जाना पसंद नहीं करते, वो घर में मर जाती और उनके बच्चे भी वो उनकी सुन्नत पूरी कर दें। क्या ये घर में हमारे माँ बाप थे, उनकी मोहब्बत हमें भी इसमें मलको जाती है, मलको ये जहालत है, ऐसा घर पहले छोड़ डालो। और अंदर ना घोड़े की मोहब्बत रहना, ना घर की मोहब्बत रहना, अंदर अल्लाह की मोहब्बत रहना। सो अच्छा, तीसरा वो औरत मर्द बना, एक बोलिया तो 10 बोलती है, कल्ले बाजारी, हाँ ऐसी औरत कहती तो भी खूबसूरत खूबसूरत रंद है, ऐसी औरत को पहले तलाक देखो छोड़ा लो मैं, क्योंकि वो कमजात औरत हो। शरीफ औरत को मर्द 10 बात कर या तो सूच को एक बात करती है, उन्हें शरीफ औरत, मर्द एक बोलिया तो 10 बात करती है, उन्हें गलीज औरत। ऐसे गलीज औरतों को रसूलुल्लाह जहन्नम में कसरत से देखो आई, मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए अब मैं तुम ना सेहत के वास्ते बोल रहा हूं, थायराइड की बीमारी को क्या करना, नमक शक्कर छोड़ डालना 40 दिन, अगर खाना खाने नहीं हो रहा है काला नमक ले लेना थोड़ा बहुत, मगर शक्कर छीना नहीं, शक्कर के बजाय गुड़ इस्तेमाल करना, एक हुआ। दूसरा, सुबह को खाली पेट में मूली का जूस पीना, एक गिलास बना को गर्म पानी में मार को, आधे घंटे के बाद अनार का जूस, आधा घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस, आधे घंटे के बाद गन्ने का जूस, आधे घंटे के बाद कोत्तिमीर और तुलसी का पत्ता दाल को, मिश्री दाल को जूस बना के पियो 40 दिन करना। 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह थायराइड खत्म हुआ था, 40 दिन तक गोलियां भी खाना इंग्लिश, 40 दिन के बाद डॉक्टर को छोड़ना। ये रहा थायराइड का मसला। और दूसरा, इनकी बात सही होने के लिए हर दिन अदरक चाप को खाना, खाने से पहले यदि अदरक चाप को खाना, खाना खाते खाते खाने के दरमियान यदि अदरक खाना, और खाना खाले बाद यदि अदरक खाको गुड़ चाप को खाको ना गर्म पानी पीना, नहीं तो शहद छाट लेना। ऐसा हर दिन करना रोस्ट में इंशाल्लाह। और दूसरा, और 2 चमचे अरंडी का तेल, ये हर दिन
घर में सब पियो, इनको भी पिलाओ और तुम्हें भी पियो, और बच्चा को एक एक चमचा डालो, बड़े को तीन तीन चमचे डालो। इसमें क्या होता है, अंदर तुम्हारे बेरिंगा है ना, वहां वहां पकड़ रही, वहां बेरिंगा जाम होगी, पूरे बेरिंगा फ्री हो जाती, जुबान अच्छी चालना चालू शुरू होती। सुबह को जैतून का तेल एक चमचा, शाम को अरंडी का तेल तीन चमचे, हर दिन घर में पूरे जो, एक दो दिन परेशानी होती है ड्रोनों को, बट ठीक हुआ था, आदत पड़ जाती। उसके बाद क्या करो, ये देखो एक चमचा अलसी के बीज, एक चमचा मेथी, पौ चमचा कलौंजी काला बीज, ये पानी में भिगने रखना, गर्म पानी में। पानी कौन सा, पिपल का पत्ता, शीशम का पत्ता, ये देखो पिपल का पत्ता, ये शीशम का पत्ता, ये तुम्हारे दुर्ग के आजू बाजू थाना में सब है, हाँ हर बस्ती में है। इसका पानी पीना, सादा पानी पीना नहीं, एक ड्रम में रख लेना, ये एक ड्रम में रख लेगो, ये जरा पत्ता डालना, पकाना, ये पानी तुम्हें सब घर में पीना, सब बीमारियां से बच जाती। और ये झाड़ के पास इनको आधा आधा घंटा बिठाना, पीपल के झाड़ के पास जो पीठ काटने का देखो बिठाना, इंशाल्लाह दो तीन महीना में इनके बाद फर्स्ट क्लास आती इंशाल्लाह। हाँ ये कर लियो। और दूसरा एक दवा बोलता हूं बना लियो, पौ के जी सेब का सिरका ले लियो, पौ के जी लहसुन का रस निकाल लियो, पौ के जी नींबू का रस और पौ के जी अदरक का रस ले निकालने को क्या करना, सोप मिला को अच्छा गर्म करना, पकाना, सोप मिला को एक किलो हो, किलो को आधा किलो बनाना, आधा किलो बना को उसमें जरा पान भी डालो पकाने के, एक 50 ग्राम पान डालो, एक 50 ग्राम कलौंजी डालो, और पका को आधा बना ले को ठंडा कर को, एक आधा किलो शहद डालना, आधा किलो शहद डाल को कांच की बाटल में रख ले को, रोज सुबह को एक चमचा, शाम को एक चमचा इनको, और तुम्हें खाली एक चमचा, और बच्चे रहे तो एक आधा आधा चमचा। अब ये देते रहे तो कैसा कैसा सरता वैसा वैसा बना लो, बनाए तो लखुआ मारने की बीमारी नहीं आती, साइड मारने की, और इनकी जुबान भी अच्छी हो जाती है, हाँ, और हार्ट अटैक नहीं आता, ऐसे कौन से बीमारी आते नहीं, तुम्हारे घर की दवाई है हमेशा के वास्ते, ये हुआ। और दूसरा ये कलौंजी का मिक्सचर, खाने वाले का बेहतरीन पिक्चर, हाँ पहले का मुसीबत का पिक्चर चले आता है, ये 100-100 ग्राम ले लेना दुकान में, जीरा अजवान सोम धनिया मेथी कलौंजी अलसी ये सभी 14 आइटम ही, 100-100 ग्राम लेको पाउडर बना लेना, सुबह को एक चमचा शाम को एक चमचा, घर में पूरे हमेशा के वास्ते। और ये लेते रहे तो आगे चल को कोई बीमारियां पकड़ दे नहीं, बात समझ नहीं, तुम्हारे पैसे तुम्हें खाती, डॉक्टर हकीमा खाते नहीं, हाँ हमेशा पूछ रहती। तो दो दवाएं तुम्हारे घर के दे बोल डाले हमें बना के खाने, हाँ इंशाल्लाह वो कर लियो। और क्या करे तो भी एक बहाना है, बात समझ रही है, शफा देने वाले अल्लाह,